अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको चिकन की बिरयानी बनाने की रेसिपी देती हूँ। सबसे पहले हम चिकन की बिरयानी बना रहे हैं तो ज़ाहिर है हमें चिकन की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास दो बेबी चिकन मैंने लिए हैं बिरयानी के लिए, ये दो बेबी चिकन है। और इसके लिए, दो बेबी चिकन के लिए, ये फोर ऑनियंस मैंने लिए हैं, ये देखें आप, नॉर्मल साइज़ के ऑनियन हैं। और ये पोटैटोज़ हैं फोर, और ये ग्रीन चिलीज़ हैं, तकरीबन 8-10 ग्रीन चिलीज़ हैं। और बहुत सिंपल रेसिपी से मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम कहाँ होता है बिरयानी बनाने का और मसाले इकट्ठे करने का। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स को बहुत ही आसान और क्विक बनने वाली बिरयानी बताती हूँ। तो ये मेरे पास लजीज़ा की सिंधी बिरयानी मसाला है, जो कि मैं हमेशा अपनी बिरयानी में इस्तेमाल करती हूँ। इससे बहुत ही मज़े की बिरयानी तैयार होती है। तकरीबन दो बेबी चिकन के अंदर मैं 1.5 पैकेट जो है वो डालती हूँ, ऐसा एक पैकेट है, और आपने 1.5 पैकेट जो है वो उसके अंदर डालना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करती तो फिर आप 1 ही डाल लें, वो इनफ है आपके लिए। और ये मेरे पास योगर्ट है, नेचुरल योगर्ट है, ये देखें 400 ग्राम का ये पॉट है, तो ये तकरीबन मैं हाफ डालूंगी जी। ये 400 ग्राम का ये पॉट है योगर्ट का, तो ये मैं हाफ डालूंगी, तकरीबन 200 ग्राम है मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि ऑनियन को आपने छील के बारीक बारीक इसको आपने स्लाइस की सूरत में काट लेना है। आपने जो अपने आलू हैं वो भी उनको काट के आपने इसके दो पीस करने हैं, ना ज्यादा छोटे रहने चाहिए ना छोटे बड़े। जब काट लूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी जी नाज़रीन। तो चावल आप बिरयानी के लिए बहुत ही अच्छे किस्म के चावल लीजिएगा, ये मेरे पास टिल्डा के स्पेशल चावल हैं, बासमती चावल, जो कि बहुत ही लंबे होते हैं और हमेशा बिरयानी और पुलाव के लिए आप हमेशा अच्छे ही चावल इस्तेमाल करें, वो इसलिए कि आपकी बिरयानी बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैंने ये दो बेबी चिकन के लिए मैंने 3 ग्लास चावल के लूंगी। साथ ही मेरे पास येलो फूड कलर है, ये मैं अपनी बिरयानी में इस्तेमाल करूंगी। और आपने जब तक अपनी बिरयानी की चीज़ें मसाले रेडी करने हैं, ओनियन काटेंगी, उससे पहले आपने ये करना है कि चावल अपने भिगो कर रख लीजिएगा, ताकि हमेशा चावल पहले से भीगे हों तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने अब ये करना है, बिरयानी चिकन का मसाला बनाने से पहले एक आप पैन ले लें और इसके अंदर आप ऑयल शामिल करें, इतना ऑयल डालें कि आपके जो चावल हैं बिरयानी के चावल जो हैं वो अच्छी तरह दम आ जाए, ठीक है। मैंने तकरीबन ये मैंने 1 कप से कम ऑयल डाला है, आप अपने आइडिया से भी डाल सकते हैं ऑयल। अब आपने जो मैंने आपको ऑनियन बताया था उसके 3 स्लाइस करके, तो आपने इसको सर्व करना है ऑनियन को। और एक मैं आपको और बात बताऊं कि हमेशा ऑनियन का कलर जो है वो एक जैसा नहीं आता। आप ऐसा करें कि जब आप ऑयल में ऑनियन डालें तो साथ आप थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दी जाए, आपके ऑनियन का हमेशा एक ही जैसा कलर आएगा। आप देखें कि प्याज जो है वो बिल्कुल एक जैसा पिंक सा हो गया है, ये देखें। अगर सॉल्ट डालने का ये फ़ायदा होता है कि बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा नहीं, कि आपका जो प्याज है वो बहुत क्रिस्पी और एक जैसा कलर आता है। जब आप ऐसे प्याज आपका ब्राउन हो तो आपने ये करना है कि इसके अंदर आपने चिकन डालना है। चिकन डाल दें और उसको अच्छी तरह भून लें। चिकन को हमने इतना भूनना है कि इसकी शक्ल चेंज हो जाए, यानी कि बिल्कुल ब्राउन शक्ल में ये होना चाहिए, ये फिर ही बिरयानी जो है मज़े की बनेगी। जब तक मीट का या चिकन की हम कोई भी डिश बनाएं, अच्छे से उसका पानी ना ड्राई करें तो वो टेस्ट उसका अच्छा नहीं आता, उस खाने में से स्मेल आती रहती है। ये अब हमने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। अब ये है कि एक साइड में मैंने अलहदा से ये चावलों का पानी इसके अंदर सॉल्ट और ऑयल डाल के रख दिया है। ऑयल डालने का मकसद मेरा ये है कि चावल बहुत खिले खिले बनते हैं, और आपने बिरयानी के चावल हमेशा
इतने करने हैं कि जैसे आपने एक पर्सन जो है वो कच्चे चावल उसमें रखने हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने आपने गलाने हैं, पूरे नहीं गलाने, एक पर्सन जो है वो आपने इसको कच्चा रखना है, बाकी ये गले हुए होने चाहिए। ठीक है, ये एक साइड पे हमारी, और इतनी देर में हम ये अपनी बिरयानी रेडी करेंगे। और ये इतनी जल्दी तैयार होने वाली डिश है, बिरयानी है, कि आप देखते हैं और खा के हैरान होंगी कि वाकई बहुत मज़े की रेसिपी है। अभी ये देखें, अभी ये सही तरह चिकन जो है वो गला नहीं है, हमारे प्याज भी उसी तरह है, इसका मतलब है कि ये अभी रेडी नहीं हुआ। जब इस सूरत में आप आधा चिकन भून लें और इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगे, तो आपने ये करना है कि इसके साथ ही आपने जो आलू मैंने आपको बताए थे इस शक्ल में, देखेंगे क्यूब्स की शक्ल में आप काट लें बड़े बड़े, क्योंकि बिरयानी में हमेशा आलू बड़े ही अच्छे लगते हैं, आप इसके अंदर शामिल कर लें और साथ साथ इसको भूनती रहें। आप जितना इसको भूनेंगी, जितना इसका पानी ड्राई करेंगी, इसकी शक्ल चिकन की चेंज होगी, आपकी बिरयानी का जायका उतना ही अच्छा आएगा। इसके अंदर कोई अदरक कोई लहसुन नहीं हम ऐड करते, बस आप ये इस रेसिपी से बनाएंगी तो ये बहुत मज़े की बनेगी। ये जो सिंधी बिरयानी है डिब्बे वाली, इसका मैं मसाला यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इसकी रेसिपी नहीं यूज़ करती, क्योंकि इसकी रेसिपी ये मैंने खुद रेडी की है, अपनी रेसिपी खुद बनाई है, सिर्फ मैं इनका मसाला डालूंगी। अगर आप इनकी रेसिपी बनाएं या इनका मसाला यूज़ करेंगी, शायद आपकी बिरयानी का जो टेस्ट है वो डिफरेंट आए। ये देखिए आलू मैंने डाल दिए हैं, अब आपने बस आलू भी भूनने हैं और साथ चिकन भी भूनना है। चिकन जो है वो हमारा रेडी नहीं हुआ, लाइट लाइट से आप देखें कि ये ब्राउनिश होना शुरू हो गया, प्याज भी जो है वो हमारा गलना शुरू हो गया है तकरीबन, लेकिन ये अभी रेडी नहीं है। चावल जो है हमारे रेडी हो गए हैं, मैंने पहले से बॉईल करके इसलिए रख लेती हूँ कि इजी रहता है। देखिए इस सूरत में चावल आपने इतने कच्चे रखने हैं, इतने कच्चे आपने चावल रखने हैं। हाँ जी, तो अब ये देखिए तकरीबन हमारा जो चिकन है वो भी सही तरह से गल चुका है, और आप देख सकती हैं कि इसकी शक्ल बहुत सी अच्छी और मज़े की है, ब्राउन कलर पे इस शक्ल में आपने करना है, ये देखिए इस शक्ल में। अब हमने इसके अंदर वो मसाला शामिल करना है, बिरयानी मसाला रजीजा का जो मैंने आपको बताया था, सिंधी बिरयानी मसाला 1.5 पैकेट आपने इसके अंदर डालना है, साथ ही आपने 200 ग्राम आपने योगर्ट, हाफ पॉट है ये 400 ग्राम का है, लेकिन आपने 200 ग्राम ऐड करनी है, पूरी नहीं ऐड करनी, दो चिकन करनी, वरना इसका टेस्ट जो है वो बहुत खट्टा खट्टा होएगा। बस फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख दें, ताकि इसका जो पानी योगर्ट का पानी निकला है वो अच्छी तरह से अच्छे से खुश्क हो जाए, और फिर हम इसकी बुनाई एक दफ़ा दोबारा से करेंगे, आलू भी गल जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। ये देखें कि सारा जो दही डाला था हमने उसका मसाला भी खुश्क हो गया, ऑयल निकला है, मसाला भी अच्छे से भुन गया, जो प्याज डाला था वो भी इसके अंदर साबुत नहीं है, आलू भी तकरीबन हमारे गल चुके हैं, और अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए बस हम इसको दम पे रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको उसके अंदर शामिल करेंगे चावलों के अंदर, और मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने ये कैसे तह लगानी है और कैसे इसके अंदर आपने कलर शामिल करना है। बस तकरीबन ये हमारा रेडी हो चुका है, क्योंकि चिकन तो इतनी जल्दी भूनते भूनते ही गल जाता है, लेकिन फिर भी हमने चिकन को शुरू में जो मैंने आपको बताया था उसको आपने बहुत अच्छी तरह भूनना है प्याज में, ताकि इसका जो कच्चापन है, जो इसका ब्राउन अच्छा सा इसका जो इसकी शक्ल हो जाए, आपकी बिरयानी भी अच्छी लगे, खाने में भी आपको मज़े की लगेगी। जी नाज़रीन, तो बस ये हमारा
बिरयानी का जो स्टफ है वो रेडी है बिल्कुल। इसको मैं एक साइड पे रखती हूँ। मैं अब दम देने लगी हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आपने इसके अंदर चावल शामिल करने हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप करें, कोई इसके ऊपर ज्यादा लेयर्स करने की जरूरत नहीं है कि आपने इसकी एक लेयर बनाई फिर आपने डाला मसाला फिर दोबारा बनाई, वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आप ऐसे भी कर सकती हैं सिंपल तरीके से, जितना टाइम कम बच सके आप बचाएं, खाना भी इजी और मज़े का बनता है। आपने ये सारा जो चिकन का मसाला है आपने ये चावलों के ऊपर डाल देना है। और फिर जो ग्रीन चिलीज मैंने आपको बताई थी वो आपने इसके ऊपर इस तरह से डाल देनी है, और जो चावल है बाकी आप इसके ऊपर डाल दे। इसको सारा जो चिकन है इसको कवर कर दे बिरयानी का। आपने जो दम देने से पहले आपने चूल्हा ऑन कर देना है और उसको तेज आग पे रख दे, ताकि तेज आग इसलिए करें कि इसके अंदर एकदम स्टीम बनना शुरू हो जाती है, फिर दम भी जो है हमारा एकदम से आ जाता है। तो नाज़रीन अब देखें, ये मेरे पास ग्लास में मैंने इतना पानी लिया है, इसके अंदर मैंने ये येलो कलर शामिल करूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो मैं 1 टीस्पून आप ले ले इतना कलर, ऑरेंज 1 टीस्पून ले ले या हाफ ले ले टीस्पून काफी होगा, ये इसके अंदर शामिल करूंगी। अब आपने इसको मिक्स करके बस आपने इसको चारों तरफ इसको फैला देना है। देखें कितना खूबसूरत ये कलर लग रहा है, जो बच गया है वो आपने बस इसको दम दे दें। तकरीबन 5 मिनट्स आप इसको दम दें, ज़्यादा देर भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 मिनट के अंदर ये चावल अब रेडी हो जाएंगे, आपकी बिरयानी चिकन बिरयानी रेडी हो जाएगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, ना ज़्यादा मसाले डालते हैं ना कुछ इसके अंदर शामिल करते हैं। बहुत आपने देखा मैंने कितने सिंपल तरीके से इसको तैयार किया है, सिर्फ एक इसके अंदर हमने वो मसाला डाला है। अगर आप उसको अपने तरीके से बनाएंगी इस तरीके से इस रेसिपी से, तो आपकी जो बिरयानी है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। अब जब दम से हटाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। हाँ जी नाज़रीन, देखें हमारी बिरयानी बहुत ही मज़े की रेडी हो चुकी है। अब हम इसको आपके सामने मिक्स करेंगे। ये देखें इसका कितना ही ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत मज़े की ये बिरयानी हमारी तैयार हुई है। आप खुदा करे कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आए, और आप ये ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आपकी ये बिरयानी कैसी बनी।